सो हाय गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक टू आयु रिभा चैनल। तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी भी सब अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने चलते हैं बुरादे की लड्डू, जो कि नारियल का बुरादा होता है ना, उसका लड्डू बनाना है। तो ये बस चार पांच चीज़ से ही लड्डू बन जाता है। अभी तो त्योहारों का सीज़न है, तो ये सब तो घर पर बनाने से बहुत अच्छा होता है। तो आइए आप लोग के साथ हम शेयर करते हैं बुरादे की लड्डू। तो इसमें एक चम्मच के करीब हम घी दिए हैं, बहुत छोटा चम्मच से। बहुत ज़्यादा घी का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि बुरादा जो होता है ना, उससे खुद तेल छोड़ता है। तो एक चम्मच तेल घी डालने के बाद हम फिर उसको उसमें डालेंगे बुरादा। बुरादा मेरा दो कटोरी के करीब था। जिस चीज़ से भी मेजर करें, प्रॉपर करें, ये दो कटोरी बुरादा था मेरा। इसको हल्का सा भून लेंगे, बस दो मिनट के लिए सॉटे करेंगे। उसके बाद फिर हम उसमें डालेंगे, आप ठंडा या गर्म कोई भी दूध डाल सकते हैं। तो मेरा हल्का सा दूध कुनकुना है, हम उसको डाल दिए हैं। 250 ग्राम के करीब दूध था, और ये चीनी है 1/4 कप। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं डालना होता है, क्योंकि हम इसमें डालेंगे दूध मिल्क पाउडर। आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, या फिर बिना मिल्क पाउडर का भी बना सकते हैं, सिर्फ दूध से ही। कंडेंस मिल्क अगर डालिएगा तो दूध और दूध पाउडर किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं होगा, बस चीनी और बुरादे से ही हो जाएगा। तो देखिए, अब ये मेरा जो है ना, हल्का उबला हुआ दूध डालने के बाद ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो रहा है। धीरे धीरे देखिएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूध के बाद चीनी डाले, चीनी डाल के भी हल्का सा चला लिए, पूरा मेल्ट हो गया। अब देखिए, ये बंधने का कंसिस्टेंसी में आ रहा है। तो आप चाहिए तो मिल्क पाउडर स्किप भी कर सकते हैं, मेरे पास था तो हम डाल दिए हैं। तो अब मिल्क पाउडर डाल करके हम इसको चलाएंगे, बस 2-3 मिनट के लिए। उससे ज़्यादा नहीं चलाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है, नहीं तो फिर कलर ख़राब हो जाएगा इसका। थोड़ा सा भी बढ़ा रहेगा फ्लेम तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल वाइट वाइट और सुंदर सुंदर ये बनता है। अब बहुत ही आसानी से बन जाता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है खाने में। अभी त्योहारों का सीज़न है, तो ये सब चीज़ तो बहुत अच्छा होता है। अभी नवरात्रा स्टार्ट होने वाला है, कभी आप ट्राई कीजिए ये लड्डू। थोड़ा सा बुरादा हम पहले बचा करके रख लिए थे, जिसे कि हम डीप करने में हमें काम आएगा। जब ये लड्डू बनाएंगे तो ऊपर से बुरादा में डीप करेंगे, तो देखने में और ही सुंदर हो जाता है। तो ये टेक्सचर मेरा लगभग सही हो गया है, अब इसको कुछ नहीं करना है। ये देख रहे होंगे, पूरा कढ़ाई छोड़ चुका है बुरादा, ये गोल हो रहा है, यानी बिल्कुल एकदम बनने लायक हो गया है। तो इसको बस हल्के हाथों से धीरे धीरे कर करके गोल कर देना है। इसको बहुत कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, हल्का कुनकुना में ही लड्डू बना देना है। तो देखिए, कढ़ाई बिल्कुल ही छोड़ रहा है, अब एकदम बंध रहा है पूरा लड्डू आसानी से। इसमें चाशनी उसनी का कोई भी ज़रूरत नहीं होता है, बस सिंपल वे में बनाना होता है। मैगी से भी झटपट ये बन जाता है। ये देखिए, बन करके मेरा रेडी हो गया है। अब बनाएंगे हम इसका लड्डू। इसमें और कुछ करना नहीं होता है, बस उठाइए और गोल गोल करते जाइए। ये देखिए, गोल भी बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। अब इसको हम डिप करेंगे बुरादे में सभी को। ये मेरा लड्डू बन के हो गया तैयार। तो गाइज, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वीडियो में